सचिन से शादी करना चाहती हूँ, मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे यहीं रहने दीजिए, पाकिस्तान अगर भेजा गया तो मुझे मार दिया जाएगा। मैं अपना प्यार पाने के लिए सरहद पार करके आई हूँ। सीएम योगी से गुहार लगाते हुए पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारत में रहने के लिए कुछ इसी तरीके से रिक्वेस्ट की थी, लेकिन अब पाकिस्तान की सीमा हैदर एटीएस के सवालों में उलझ गई है। कभी जांच एजेंसियों के हर सवाल का तपाक से जवाब देने वाली सीमा हैदर ने बीते दो दिन एटीएस के सवालों का सामना किया, लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब वो नहीं दे पा रही है। ऐसे में जांच एजेंसियों का उसके पाकिस्तानी जासूस होने की आशंकाओं को बल मिल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा एजेंसियों को आदेश दे रखा है कि कोई भी कोताही नहीं बरतनी है और पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। इसी बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि सीमा को पाकिस्तान का जासूस बता रहे हैं। सवाल जो सीमा को जासूस बता रहे हैं। चार बच्चों की मां सीमा हैदर खुद को पाकिस्तान के छोटे शहर का निवासी बताती है, लेकिन पबजी गेम में दिन भर व्यस्त कैसे रहती थी। पांचवी पास मिडिल क्लास घरेलू महिला एक नहीं दो दो पासपोर्ट क्यों रखेगी। अपने चार बच्चों को छोड़कर सचिन से मिलने नेपाल कैसे चली आई। दूसरी बार सीमा पाकिस्तान लौटी तो अपने चार बच्चों के एकदम नए पासपोर्ट कैसे बनवा कर लौटी। सीमा के पास इतने पैसे कहां से आए। सीमा कहती है कि उसने मकान बेचा था, लेकिन क्या पाकिस्तान में महिलाओं को संपत्ति में इतना अधिकार है। और फिर पति को भनक लगे बिना उसने मकान कैसे बेच लिया। इसके अलावा वो दुबई जाती है और पाकिस्तानी रुपयों को दिरहम में बदलवा लेती है, फिर दुबई में होटल और कैब का इंतजाम आसानी से कर लेती है। छोटे शहर की लड़की जो महज पांचवी पास है, वो इतना सब कुछ इतनी आसानी से कैसे कर लेती है। घुसपैठ के आरोप में भारत में पकड़े जाने पर भी इतनी शांत कैसे दिख रही है। नेपाल से भारत आने के लिए पासपोर्ट और आधार कार्ड जरूरी होता है। सीमा ने अपना और चार बच्चों का फर्जी आधार कार्ड कैसे बनवा लिया। तो ये वो 10 सवाल हैं जो कि लगातार इस वक्त पूछे जा रहे हैं, और एटीएस भी लगातार सीमा से इन्हीं सवालों के जवाब पूछ रही है। ऐसे में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जहां उत्तर प्रदेश पुलिस, खासकर नोएडा की पुलिस को आदेश दे रखा है, वहीं सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार सीमा हैदर को निशाने पर ले रही हैं और पूछताछ कर रही हैं। फिलहाल इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी सीमा हैदर को लेकर बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, और आपको क्या लगता है, क्या सीमा हैदर सरहद पार कर प्यार के लिए आई है या फिर साजिश रचकर आई है। उत्तर प्रदेश में लाइन आर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जाँच हो रही है, केंद्रीय एजेंसियाँ भी जाँच कर रही हैं, और हर स्थिति में हम उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतिबद्धता के साथ अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकेंगे। तो क्या अभी तक कोई इनपुट मिल पाया सीमा हैदर का, वो जो जांच चल रही है। अभी ये केंद्रीय एजेंसियां और स्टेट की एजेंसियां ही बता पाएंगे। हमारे पास इनपुट ये है कि हमने कहा है कि किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को हम यूपी में नहीं होने देंगे।